लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आज एक नया आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब की फैक्ट्री लगाने वाले एक कारोबारी ने लालू यादव के परिवार को तोहफे में जमीन दी। रघुनाथ यादव जो भूमिहीन थे, उनके पास पटना शहर में जमीन कहां से आई, फिर पक्का मकान कैसे बना, फिर उसे पक्का मकान सहित जमीन को उन्होंने तेजस्वी और तेज प्रताप को 14 लाख में गिफ्ट कर दिया। सुशील मोदी का आरोप है कि जिस जमीन को लालू के भाई प्रभुनाथ यादव ने तेज प्रताप और तेजस्वी को 14 लाख रुपए में बेची, उसी जमीन को कात्याल भाइयों की कंपनी एके इंफोसिस्टम ने 70 लाख रुपए में खरीदी। उस समय कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिखाया गया 6,95,000 और जब 45 महीने के बाद जब बेचा तो उसकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 9 गुना बढ़ गई, 54,25,000 हो गई। और ये सारा ब्लैक मनी को व्हाइट करने का ये एक तरीका है। बिहार में शराब की फैक्ट्री लगाने वाले दो भाइयों ओम प्रकाश कात्याल और अमित कात्याल ने एके इंफोसिस्टम नाम से कंपनी 2007 में बनाई थी। एके इंफोसिस्टम ने मार्च 2007 में 39 लाख रुपए में पटना में दो जगहों पर जमीन खरीदी, बाद में उस कंपनी को लालू के परिवार के नाम कर दिया। आरोप है कि मौजूदा समय में एके इंफोसिस्टम में 85% हिस्सेदारी राबड़ी देवी और 15% तेजस्वी यादव के पास है, जबकि लालू और चंदा यादव दोनों कंपनी में डायरेक्टर हैं। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल के पूरे होने के मौके पर नीतीश कुमार ने एक नसीहत दी। नसीहत को लालू परिवार से जोड़ कर देखा जा रहा है, क्योंकि मंच पर तेजस्वी यादव भी थे। आवश्यकता के अनुसार आप किसी भी चीज का उपभोग कीजिए। आज तो समाज में क्या माहौल बना है, लोग न जाने कितनी धन संपत्ति अर्जित करने के चक्कर में रहते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।